मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ एक बार फिर आपके लिए प्यारा सा प्रोग्राम लेकर हाजिर है जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, प्रोग्राम है मेरा प्यारा दीन और हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स होते हैं। तो आज हमारे साथ दो नए चेहरे भी मौजूद हैं हमारे। जी आपका नाम? हुनैन भाई और शकील अहमद भाई मौजूद हैं। तो बगदाद भाई आप इन्हें भी बता दीजिए और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बता दीजिए कि हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस, दूसरा सेगमेंट होता है कलाम, तीसरा सेगमेंट होता है करामात सहाबा या फिर प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत कोई सा भी हो जाता है, और फिर चौथा सेगमेंट होता है, लास्ट होता है इस्लामिक हिस्ट्री। जी हाँ, हमारा पहला सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस, जिसमें हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका को याद करने की कोशिश करते हैं, और जो जल्दी याद कर लेता है वो ज़हीन बच्चा भी बन जाता है। उस सेगमेंट में हम किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स को भी शामिल करते हैं जो वो हमें भेजते हैं, अच्छी अच्छी अहदीस लिखकर भेजते हैं, वो हम अपने प्रोग्राम में चलाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है कलाम, उसमें हम नात खान से कलाम सुनते हैं, और आज इंशाल्लाह मिसवान भाई से कलाम सुनेंगे। और उसके बाद जो तीसरा सेगमेंट होता है वो मुख्तलिफ होते हैं, कभी इस्लाम और साइंस, कभी करामात साहबा, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, और मुख्तलिफ सेगमेंट होते हैं जिनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल होती है, जबकि लास्ट हमारा सेगमेंट होता है इस्लामिक हिस्ट्री, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, कितनी दफ़ा? 50 बार। जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। कितनी बड़ी सआदत की बात होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। हमारे प्रोग्राम मेरा प्यार दीन में किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से भी रोज़ाना एक सवाल किया जाता है। आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, बताइए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत किस इस्लामी महीने में हुई? यहाँ पर किस किस को मालूम है? जी अफ़ान भाई, बगदाद भाई। अफ़ान भाई, रमज़ान मुबारक में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। अफ़ान भाई ये कह रहे हैं। जी बगदाद भाई, रमज़ान मुबारक। और इस तरह अफ़ान भाई और बगदाद भाई का जवाब दुरुस्त है। ये सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, निमुनी बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा दीन। जोर से कहना है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा प्यारा दीन। प्रोग्राम का सेगमेंट शुरू हो चुका है जी। तवज्जो भी आपने रखनी है, जो यहाँ पर मौजूद है बच्चों आपकी भी तवज्जो होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे मिसवान भाई, फिर है अफ़ान भाई, और फिर है, जोर से बताना है, शकील भाई। जोर से शकील। क्या नाम है प्रोग्राम का?
मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट का नाम क्या है? एक प्यारी हदीस। एक प्यारी हदीस। इससे पहले कभी देखा है प्रोग्राम? देखा हुआ है, जबरदस्त। तो फिर थोड़ा थोड़ा हो सकता है पता भी हो। तो क्या नाम बताया आपने? शकील। शकील भाई है हमारे साथ, और है उनके सामने मौजूद। नैन। जोर से नैन। मेरी आवाज आ रही है जोर से? पता लग रहा होगा शायद दो टाइम खा के आ गया हूँ खाना है। ऐसे मुस्कुराते भी रहे और जोर से नाम बताए अपना। हुनैन। फिर भी आवाज कमी चल रही है। चले भाई, हुनैन भाई से भी बातें करेंगे और उसके बाद है हमारे द फेमस बगदाद भाई और हमारे साथ मौजूद है सफीउल्लाह भाई। तो इंशाल्लाह अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, हदीस पाक को याद भी करेंगे। जो घरों पर मौजूद हैं उसमें प्यारी प्यारी बच्चियाँ तो हदीस पाक लिख कर हमें भेजती हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो पता नहीं क्यों सुस्ती करते। क्यों सुस्ती करते सफीउल्लाह भाई, बच्चे क्यों नहीं लिख कर भेजते? आप भी बच्चे हैं तो आप ही बताएंगे जी। बच्चियाँ मेहनती होती हैं, बच्चों को बहुत सारे दुनिया के काम होते हैं, ये करना वो करना है, इधर ऐसा है, फिर क्या है? सुस्ती होती होगी। सुस्ती होती होगी। अब हम आ चुके हैं सेगमेंट में हदीस पाक वाले, जिसमें हदीस पाक याद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हदीस पाक आपने याद कर आप भी सुना सकते हैं, और जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? एक बटन दबाएंगे, प्रोग्राम हमारा आगे शेयर हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी इंशाल्लाह। अच्छी नीयतों के साथ आप प्रोग्राम शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलता चला जाएगा। आइए देखते हैं कौन हदीस पाक जल्दी से याद करता है। स्क्रीन पर हदीस पाक दिखाई जाएगी और जो घरों पर मौजूद हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ताकि आप अच्छा अच्छा हमें लिख कर भेज सके। आजकल कम तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الهدى هدى محمد بهترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کیا پیاری حدیث پاک ہے اور الفاظ بھی کم ہیں، زیادہ مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں، جلدی سے ہم نے یاد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عفان بھائی یاد کر لیں گے اور حنین بھائی جلدی سے یاد کریں گے، ابھی تو میں نے یاد کرایا بھی نہیں۔ چلے بھائی آئیے یاد کرتے ہیں۔ خیر الہدا، خیر الہدا، ہدا محمد، ہدا محمد، خیر الہدا، خیر الہدا، ہدا محمد، ہدا محمد، خیر الہدا، خیر الہدا، ہدا محمد، ہدا محمد۔ جی عفان بھائی، خیر الہدا، ہدا محمد۔ آدھے نمبر جائیں گے مسمان بھائی کو، دوبارہ سے خود سنائیں۔ خیر الہدا محمد۔ اب دیکھو غلطی ہو گئی نا، خیر الہدا ہدا محمد۔ دوبارہ، ہدا ہدا محمد، چیخ کے بولیں، خیر الہدا ہدا محمد، محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، آگے زور سے، خیر الہدا ہدا، ہاں ٹھیک ہے، ہدا محمد، ہدا محمد، ہدا محمد۔ زبردست جی، حنین بھائی، خیر الہدا ہدا محمد، ماشاء اللہ جی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الہدا ہدا محمد، ماشاء اللہ، اچھی انداز ہے، یاد ہو رہا ہے۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے اور ترجمہ یاد کرائیں گے ہمارے صفی اللہ بھائی۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کس کس کو یاد ہوا؟ چلے بھائی سنا ہے، شکیل بھائی سے سنتے ہیں سب سے پہلے۔ بہترین راستہ محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، ماشاءاللہ جی۔ عفان بھائی، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ماشاءاللہ۔ بغداد بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر میں نے صرف ترجمہ سننا تھا، حنین بھائی ترجمہ سنائیں۔ بہترین راستہ، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہاں اچھا، یہ درود پاک صحیح پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ، کچھ تبالیہ کچھ ہو گیا ایسے نہیں، صحیح سے درود پاک دوبارہ سے۔ بہترین راستہ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد راستہ ہے۔ بہترین راستہ، بہترین راستہ ہے، زور سے، بہترین راستہ ہے، بہترین راستہ، میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھے، بہترین راستہ، بہترین راستہ، اتنی آواز سے پڑھے جتنی آواز سے میں پڑھ رہا ہوں، بہترین راستہ، بہترین راستہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई आप सबको नहीं पढ़ा रहा, अकेला उन्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। दोबारा से, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। चले भाई अभी सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाएंगे। चले भाई, तो हो गया, याद हो गया सबको, अरबी भी और तर्जुमा भी। अच्छा भाई, अब दोनों चीज़ें कौन सुनाएगा, अरबी और तर्जुमा एक साथ? जी शकील भाई उधर स्क्रीन देखने में मसरूफ है, उधर उधर क्या है, वो तो घर वालों के लिए, उनके लिए, आपके लिए हम डायरेक्ट यहाँ मौजूद हैं, हमें देखें। कौन सुनाएगा? बगदाद भाई सुनाएंगे। चले भाई बगदाद भाई, आप उठ के आए, यहाँ खड़े होकर सुनाए, नया अंदाज, ठीक है जी। आ रहे इधर आ जाए, इधर आगे सफीउल्लाह भाई के साथ खड़े हो जाए, हाँ उधर मुंह करके। قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم خیر الهدى هدى محمد، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست، خیر الهدى هدى محمد کے بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور محمد مصطفیٰ ہیں آخری نبی، انہوں نے جو ہمیں راستہ بتایا۔ مطلب راستہ، راستہ سے مطلب کیا ہے؟ خیر الہدا ہدا محمد نے یاد کیا نا، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو راستہ کون سا راستہ؟ چلے بھائی بغداد بھائی سے پوچھ لیں، راستہ حق کا راستہ۔ حق کا راستہ، پھر وہ سوال یہ کیا ہوتا ہے، کون سا راستہ؟ جیسے کہ سچائی کا ساتھ دینا، جیسے کہ سچائی کا ساتھ دینا، انصاف سے کام لینا، انصاف سے کام لینا۔ اچھا جی، سچ کا راستہ، اچھائی کا راستہ، جو دین کا صحیح راستہ ہے نا، طریقہ، راستہ مطلب طریقہ کار، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ کار لے کر آئے، جو عقیدے لائے، جو اعمال لائے، وہ کیا ہے، سب سے بہترین ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس سے ہم عمل کریں گے تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے ہم کہاں پہنچیں گے، جنت میں۔ کہاں پہنچیں گے؟ ایک ہوتا ہے نا راستہ، آپ کے گھر کا بھی راستہ ہوگا، گھر جانا ہے، یہاں سے راستہ پتہ ہے؟ پتہ ہے، پکی بات ہے، بعض بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو پتا ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر پتا ہوگا تو کہاں پہنچیں گے، اور نہیں پتا ہوگا تو کہاں پہنچیں گے، پتا نہیں کہاں پہنچیں گے، کہیں اور پہنچ جائیں گے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ تو ابھی ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ تو جنت میں جانے کا بھی ایک راستہ ہے نا، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ صفی اللہ بھائی نعرے لگائیں گے، اور سب نے زوردار انداز سے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، اے شفیع الورا عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ، اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ چلیں گے ہم تصویروں کی طرف، دیکھتے ہیں آج کون سی ننھے بچیوں نے تصویریں بھیجی ہیں، کہ بچوں نے بھیجی ہیں اور خود بنائی ہیں، یا کسی سے بنوا کے اپنا نام لگا لیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی سے بنوا کے نام اپنا لگوا لیں، تو خود کوشش کریں یا پھر مینشن کر دیں کہ بھائی میں نے ہیلپ لی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں دکھائیں۔ میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے ہماری نور فاطمہ، کہاں سے ہیں یہ؟ بصیر پور سے ہیں، ماشاء اللہ زبردست انداز۔ اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، جس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث کو آپ اتنے پیارے پیارے انداز میں لکھ کر بھیجا کرتی ہیں، انہی کے پیارے پیارے مدینے کی بار 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 آپ کو حاضری عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ، زبردست، کیا بات ہے، محنتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک پیاری حدیث، غصہ نہ کرو، نور فاطمہ بصیر پور سے، ماشاء اللہ۔ یہ تو بصیر پور جو ہمارا مدنی چینل اپنے پاس لے کے جا رہا ہے،
क्या बात है भाई, है ही आपका मदनी चैनल, बच्चों का ही मदनी चैनल है। और पिक्चर ऑफ द डे कौन सी होगी आज की, जल्दी से वो दिखा दीजिए और फिर आगे चलेंगे। जी पिक्चर ऑफ द डे माशाल्लाह नूर फातिमा बसीरपुर से, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। और कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे पास हमारे मिसवान भाई। क्या हाल है मिसवान भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। हज़रत आप भी तो मसरूफ़ होते होंगे, क्या मसरूफियत होती है, मसरूफियत में से टाइम निकाल के आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में आप माशाल्लाह। स्कूल ट्यूशन देखें भाई, सब कुछ चल रहा है, पेपर भी हो रहे हैं क्या, ये होने वाले हैं? होने वाले हैं फिर नहीं देंगे टाइम? नहीं देंगे। अच्छा चले भाई, पेपर भी कर लेगा ऐसा ना बोले भाई, पेपर में लिख के आ जाए मैं मदनी चैनल में मसरूफ़ था तो नंबर मुश्किल हो जाएंगे भाई आपको। चले जी, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? आपकी निस्बत ए नाना हुसैन। सुभान अल्लाह, आपकी निस्बत ए नाना हुसैन, मिलकर हमने इंशाल्लाह पढ़ना है जी। आपकी निस्बत ए नाना हुसैन है बड़ी दौलत ए नाना हुसैन, आपकी निस्बत ए नाना हुसैन बड़ी दौलत है नाना हुसैन, आपकी निस्बत है नाना हुसैन, आपकी निस्बत है नाना हुसैन है बड़ी दौलत है नाना हुसैन, दौलत ए नाना ए हुसैन, नाना ए हुसैन है बड़ी दौलत ए नाना ए हुसैन, आपकी निस्बत ए नाना ए हुसैन, दूर कर फुरकत ए नाना ए हुसैन, अपनी दिल गुरबत नाना ए हुसैन, अपनी दिल गुरबत नाना ए हुसैन, नाना ए हुसैन अपनी दिल गुरबत नाना ए हुसैन है बड़ी दौलत नाना ए हुसैन, मर के भी निकले न मेरे कल्ब से, मर के भी निकले न मेरे कल्ब से, आपकी उल्फत है नाना ए हुसैन, 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 नाना ए हुसैन है बड़ी दौलत है नाना ए हुसैन, आपकी निस्बत है नाना ए हुसैन, साहत है नाना ए हुसैन, आए वो साहत है नाना ए हुसैन, सब गुम्बद की बगारे देख लो, सब गुम्बद की बगारे देख लो, आए वो साहत है नाना ए हुसैन,
हर वली का वासिता अत्तार पर, हर वली का वासिता अत्तार पर, हर वली का वासिता अत्तार पर। कीजिए रहमत नानाए हुसैन, रहमत नानाए हुसैन, कीजिए रहमत नानाए हुसैन। है बड़ी दौलत नानाए हुसैन, नानाए हुसैन, है बड़ी दौलत नानाए हुसैन। नस्बत नानाए हुसैन, आपकी नस्बत नानाए हुसैन। है बड़ी दौलत नानाए हुसैन। अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। खूबसूरत सा कलाम हमने शामिल किया। अब हम चलेंगे सफ़ीउल्लाह भाई के पास और उनसे पूछेंगे कि आपने सवाल भी दिया था तो क्या हुआ, जवाब का जवाब आए नहीं आए? जी जवाब आ गए। पक्की बात है जी। शामिल करें कुछ, उनके जवाब भी शामिल करें, फिर आपके सेगमेंट की तरफ भी जाना है हमने जी। कॉल्स। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया की एफ कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है के रमजान मुबारक में जिस जगह सजदारे की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर आमीन आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरा के इतना प्यारा सा आपने कलाम सुनाया, कलाम का शेर सुनाया और सवाल का जवाब भी दिया। तो सवाल क्या था? हुज़ूर ग़ौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत किस महीने जी, किस महीने में हुई? ग़ौसे पाक की विलादत किस महीने में हुई? रमज़ान की कौन सी तारीख को? 11। सोच लें। 11। उर्स किस तारीख को मनाते हैं? 11 को उर्स मनाते हैं। तो उर्स तो इंतकाल क्या हुआ ना, फिर विलादत की तारीख क्या थी? उस्मान भाई ने 11 कहा तो आगे से सब 11 शुरू हो गए। रमज़ान की पहली तारीख थी। कौन सी तारीख थी? हाँ, बड़ी मशहूर आपकी करामत भी है ना कि आपने जो है वो दूध नहीं पिया रमज़ान के दिनों में, तो ये। और फिर अगले साल जो है वो पता भी इससे चला कि भाई पता करो वो सैयदों के बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, चांद का नहीं पता चल रहा था। तो इंशाल्लाह भी ये महीना आ रहा है, ये करामत भी सुनेंगे और बातें भी सुनेंगे। तो यूँ कह लीजिए शुरू हो गई ये बातें गौसे पाक की, क्योंकि गौसे पाक का महीना आ रहा है आपके विसाल वाला महीना, जिसमें आपका उर्स मनाया जाता है, और विलादत का महीना है रमज़ान मुबारक जी। नेक्स्ट कॉल। प्यारे प्यारे ओकार बाबू, मैं हूँ नमान अतारी से आ रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है रमजान मुबारक। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल जबरदस्त माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अतारी और मैं हूँ मदनी अतारी। हम तो भाई तोसा शरीफ से, हम कहेंगे बुला लो फिर मुझे शाहे बहारो मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद वाहिब है, मैं शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है यकम रमजान मुबारक।
और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी सीनियर से। प्यारे प्यारे वकार भाई, आज मैं आपको आज की हदीस मुबारक सुनाएंगे। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم خير الهدى هدى محمد। फरमाने आखिरी नबी صلى الله تعالى عليه واله وسلم बेहतरीन रास्ता मोहम्मद صلى الله تعالى عليه وسلم का रास्ता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है। अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को सलामत रखे माशाल्लाह। और इसी के साथ कॉल्स पूरी हो गई सफीउल्लाह भाई जी। चले भाई, तो फिर आपका सेगमेंट कौन सा है? इस्लाम और साइंस। जी चलते हैं इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम और साइंस सेगमेंट में आपको वेलकम कहते हैं। इंशाल्लाह आज भी हम अपने सेगमेंट में प्यारी प्यारी और इंफॉर्मेटिव बातें सुनेंगे। प्यारे बच्चों, तरतीब से वजू करना यानी पहले हाथ धोना, फिर कुली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, चेहरा धोना कोहनियों समेत, दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसाज करना और फिर लास्ट में टखनों समेत दोनों पांव धोना, इस तरह से वज़ू करना भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वैसे तो वज़ू करने से हमें सवाब मिलेगा, लेकिन जब इस बारे में रिसर्च हुई कि तरतीब से वज़ू करने से इंसान की जान को क्या फ़ायदा है, तो प्यारे बच्चों इस रिसर्च से मालूम हुआ कि इसी तरतीब से वज़ू करने से इंसान फालिज की बीमारी से बच सकता है। और अगर वज़ू इस तरह किया जाता कि पहले सर का मसाज किया जाए, फिर पांव धोया जाए, तो इस तरह से इंसान बहुत सी बीमारियों में फंस सकता था। तो इससे मालूम हुआ कि तरतीब से वज़ू करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की बीमारियों से हिफाजत फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी उनैन भाई, क्या बताया उन्होंने वजू करने का मतलब? पहले तो उंगलियों को छोड़ दें, उंगलियों ने तो कुछ नहीं किया आपकी, कुछ किया? अच्छा अब ये बता दें क्या बताया उन्होंने? नहीं पता, कुछ कुछ याद होगा। तरतीब बताई उन्होंने वजू की, क्या है तरतीब, किस तरतीब से वजू होता है, और फिर उसका जो है वो साइंसी फ़ायदा बताया। जी अफान भाई बता रहे हैं भाई, चले अफान भाई की गौर से सुन लें, फिर शकील भाई आपकी बारी है। जी चेहरा धोना। अच्छा सबसे पहले चेहरा धोएंगे वजू में? चले भाई वुजू कर रहे हैं आप, वुजू करके दिखाएं ज़रा। सबसे पहले कैसे करते हैं, क्या करते हैं वुजू में? पहले चेहरा धोते हैं। लो भाई आज तो आप वुजू ठीक कर लेगा फिर, अगर पहले आप चेहरा धो रहे थे वुजू में। दोनों हाथ टखनों तक धोते हैं, कोहनियों समेत धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोते हैं, सबसे पहले ही करते हैं। क्या हो रहा है जी भाई, वुजू कैसे करते हैं? हुनैन भाई वुजू करा होगा ना, कैसे करते हैं? करते सबसे पहले गुल्ली करते हैं, पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ धोते हैं। तो बता दें इसमें क्या डरने की बात है, सबसे पहले कहाँ तक? ये हाथ धोते, इतना पोछो तक हाथ धोएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तीन मरता करते, गुल्ली करते, फिर नाक में पानी, नाक में पानी, फिर तीन मरता चेहरा धोते, चेहरा धोते, फिर कोहनियों समेत हाथ धोते, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोते हैं, फिर चौथाई सर का मसाज। अब याद आना शुरू हो गया अफान भाई को, फिर क्या करते हैं अफान भाई? आपका हमें पता है, आपको याद होगा, हाथ नीचे कर ले जी, का मसाज कर, ठीक है जी। और उसके बाद दोनों पांव टखनों समेत धोते, जी दोनों पांव टखनों समेत धोते। तो ये क्या है तरतीब, इसी तरतीब से वजू करना। और अगर इन्होंने जो पहले शुरू कर दी थी, क्या कह रहा था, पहले मुंह से शुरू कर दिया था, है मुंह धोया पहले, तो फिर ये कुल्ली और हाथ धोना कहाँ रह जाएगा। और साइंसी रिसर्च क्या थी कि अगर जो है वो इस तरतीब से वजू करे तो बहुत सारी बीमारियों से इंसान फालिज की बीमारी से बच सकता है। फालिज की बीमारी पता क्या होती है? लो भाई यहाँ तो फालिज ही नहीं पता, क्या होती है नहीं पता आपको? देखे भाई मिसवान भाई बताएंगे, माइक दे दे जल्दी से मिसवान भाई को, फालिज की बीमारी बता रहे भाई। पूरा जिस्म काम करना छोड़, उन्हें बता दे ना, मुझे बता रहे उधर बता दे, पूरा जिस्म काम करना छोड़ देता है। क्या पूरा, पूरे पे नहीं हुआ, अगर आधे पे हुआ तो, यानी अगर एक साइड पर हुआ, लेफ्ट जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। यानी फालिज कभी कभी पूरे जिस्म पर, कभी आधे जिस्म पर होता है। यानी अगर राइट साइड पे फालिज हो गया अल्लाह ना करे, तो वो काम ही नहीं करेगा इससे, यानी हमारा हाथ मूव ही नहीं करेगा, पाँव
मूव ही नहीं करेगा। आप सोचे हम कैसे हो जाएंगे, अभी तो आप आराम से उठ के दौड़ जाएंगे ना, थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म होगा। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो तो उसका वो हिस्सा काम ही नहीं करता। तो कितनी ख़तरनाक ही बीमारी है। लेकिन अगर हम इस तरतीब के मुताबिक वजू करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस बीमारी से महफूज रहेंगे। और अगर तरतीब याद नहीं हुई, अपनी मर्ज़ी से बस कुछ भी कहीं से भी शुरू कर दिया, तो अगर वजू इस तरह किया कि पहले सर का मसा फिर पाँव धोए, पहले मसा हो रहा है फिर पाँव धो रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है, फिर हम बीमार भी हो सकते हैं, बीमारियों में फंस भी सकते हैं। तो वज़ू करना चाहिए, जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक करना चाहिए। नेकी की नियत से करेंगे कि ये सुन्नत है, मुस्तहब है, इस तरतीब से करना तो इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा और ये फ़ायदे तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। फ़ायदों के लिए नियत करनी नहीं पड़ती, इन्हें करनी भी नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद मिल जाते हैं। हाँ, सवाब के लिए नियत की जाती है। और ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, ये चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसमें हम सुन रहे थे हजरत फारूक में सुन रहे थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत ज़बरदस्त मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। ये मुसलमानों के कौन से नंबर के खलीफा हैं? हज़रत उस्मान गनी कौन से नंबर के हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस नंबर के हैं? पहले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस नंबर के हैं? और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस नंबर के हैं? चौथे। और हज़रत फारूक आज़म की हम शान सुन रहे थे, बहुत सारी हमने बातें सुनी हैं। सिद्दीक़ भी आपका एक लकब है और जैसा आप कहते थे वैसा हो जाता था। आपकी शान पिछली किताबों में भी लिखी हुई मौजूद है। और आज हम आपके बारे में सुनेंगे कि आप बहुत ज़्यादा रोब वाले थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा रोब वाले। हाँ, रोब समझते हैं? रोब, रोब क्या होता है? कुछ नहीं पता। शकील भाई पता है तो बोल दे ना। पता है तो बोल दे, नहीं पता तो बोल दे। पता है? नहीं। जी अच्छा, यूं बाज बजे यूं बैठ जाएंगे भाई, कुछ तो बोल दो, इशारे से बोल दो, पता है कि नहीं पता है। जी बगदाद भाई को पता है क्या होता है रोब? जैसा कि भरम चला। भरम च? भरम कहाँ से आ गया भाई रोब में? है रोब यानी के, रोब यानी के भाई रोब होता है ना। एक होता है जैसे खौफ सा होता है किसी के पास जाते हैं, टीचर होते हैं पास मदरसे में पढ़ते हैं, एक का होता है तो बड़े जो है वो उनसे, और बाज होते हैं उनका एक रोब होता है, उनके करीब जाते हुए बात करते हुए एक डर सा होता है। तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का बहुत ज़्यादा रोब था। कोई गैर मुस्लिम आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था, आपके बड़ा रोब था। और वो गैर मुस्लिम आपको देख कर कांप जाया करते थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला वैसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपको बस देख कर ऐसा रोब तारी हो जाता था। कि शकील भाई क्या होता था गैर मुस्लिमों को? आप साथ साथ। वो बताएंगे तब बोलेंगे आप काम जा, क्योंकि अगर इधर उधर तवज्जो होगी ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। मेरी तवज्जो आप पर पूरी है, ये गिरने लगा था। चले जी, मेरी तवज्जो आप पर पूरी है, तो आपने भी इधर तवज्जो के साथ बैठना है। तो गैर मुस्लिमों आपके सामने खड़े भी नहीं हो पाते थे और आपको देखकर कांप जाया करते थे। और अल्लाह पाक ने आपको ये कमाल अता फरमाया था कि बड़े बड़े गैर मुस्लिम बादशाह भी आपके रोब से डर जाया करते थे, आपके रोब से। बादशाह आम आदमी तो चलो आम आदमी है, जो बादशाह होते थे वो भी डर जाया करते थे। अच्छा, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि शैतान भी आपसे डरता था। हमें तो शैतान आके बेकारा होता है, ये कर लो ये कर लो, इसको चूटी नोच लो, इसको ये कर लो, है गुजर रहा उसके आगे पाँव लगा दो धड़म से नीचे आ जाए। और आपसे शैतान भी डरता था। क्या बात है हमारे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और हमने सुना है ना कि शैतान आपसे ऐसा घबराता था कि जहाँ फारूक आज़म आते थे शैतान वो रास्ता बदल लेता था, वो रास्ता छोड़ दिया करता और रास्ता भी बदल लेता था। इसीलिए एक मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उमर, शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो तुम्हारा रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। अब बात है हमारे फारूक आज़म की कि फारूक आज़म अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो शैतान ने देखा अब इस रास्ते पे, वो किधर जाएगा? ये वाले रास्ते पे है। और अगर इधर देख रहा है तो शैतान ने दूसरी तरफ चले जाना है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शैतान भी डर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि आसमान में कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जो उमर की इज्जत ना करता हो और ज़मीन में कोई ऐसा शैतान नहीं जो उमर से घबराता ना हो। सुभान अल्लाह।
आसमान के फरिश्ते आपकी क्या करते हैं? इज्जत। क्या करते हैं? और जो शैतान है वो क्या करते हैं? डरते हैं। डरते हैं, रास्ते बदल लिया करते हैं। क्या बात है। तो बताया गुना कौन करा रहा होता है? शैतान देता है ना, आइडिया देता है, मशवरे देता है। और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो शैतान ही भाग रहा, तो फिर उनके तो इस तरह की कोई बात करीब भी आ ही नहीं सकती, उन्होंने तो हर बात सही सही करनी है। अच्छा, इसी तरीके से आप सुनाता हूँ मैं आपको हज़रत अली का फरमान। हज़रत अली मुसलमानों के क्या हुआ, एनर्जी ख़त्म हो गई, अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया हमारा, बस एक दो मिनट ही रह गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा, अब वो भी हज़रत फारूक़ आज़म की तारीफ कर रहे हैं, वो भी फारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ कर रहे हैं। और इससे हमें ये भी पता चला कि सहाबा आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तभी एक दूसरे की तारीफ़ करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम तमाम सहाबा यही समझते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो शैतान है वो इस बात से डरता है कि आपको किसी गलत काम का हुक्म दे। अच्छा, हर शख्स के साथ ना एक शैतान होता, हर शख्स के साथ एक शैतान होता है, वैसे तो वो एक शैतान इब्लीस है ही, और फिर उसके बहुत सारे चेले। इसके अलावा एक शैतान जो है ना सबके साथ ड्यूटी पर लगा हुआ होता है, जो हम वक्त मशवरे दे रहा होता है, ये करो ये करो, ये गलत काम करो, अम्मी अब्बू को तंग करो, इसको तंग करो, वो करो, बच्चों की नहीं शरारतें भी आ रही होती हैं तो उनको आइडिया दे रहा होता है। तो हज़रत अली क्या फरमाते हैं, हम तो ये समझते थे कि आपके साथ जो शैतान है वो तो, और क्योंकि शैतान आपसे शैतान डरता है तो वो कैसे गलत काम का मशवरा देगा, तो शैतान भी जो है वो आपसे डरता है, लिहाजा इस बात से भी डरता है कि वो आपको किसी गलत काम का कहे मशवरा दे। तो ऐसे थे हज़रत फारूक़ अलैहिस्सलाम, इसीलिए हम नारा लगाते हैं हर सहाबी नबी हज़रत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी माने गनी जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हजरते मुआविया भी और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती माशाल्लाह। इन्हीं प्यारे प्यारे नारों के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने करेंगे हमारे सफीउल्लाह भाई, और ये भी बताएंगे कि अगर हमारे इस प्रोग्राम को देखना हो तो वो बंदी चैनल पर लाइव तो ख़त्म हो गया, वैसे कहाँ देखें, क्या करें? अगर आपसे हमारा कोई एपिसोड मिस हो गया हो तो आप YouTube पर हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल किड्स मदनी चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम मेरा प्यार दीन का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दी।